तो यारों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भारत में हिंदू राष्ट्र और रिजर्वेशन के चलते अलग अलग हिस्सों में कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे 1996 से 1999 तक का सफर। इन 4 साल के सफर में भारत को मिले 6 प्रधानमंत्री। भैया 2 बार हुए इलेक्शन, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, तो उस टाइम की जनता तो बहुत कन्फ्यूज हुई होगी। बट वीडियो मैंने थोड़ी सिंपल बनाने की कोशिश की है, तो इंट्रो के बाद आओ जरा। भारत ने जो भी देखा इतने सालों में उसे जानेंगे आप और मैं बातों ही बातों। और आपका टाइम बचाने के लिए पूरी टाइम स्टैम्प और चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सफर शुरू करते हैं आज का 1996 से। अभी भारत के प्रधानमंत्री चरण सिंह जी हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनसे खींच लिया है सपोर्ट, तो भारत में हुए फ्रेश इलेक्शन। 27 अप्रैल को आए इलेक्शन के रिजल्ट। इस इलेक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ, एक तो फूलन देवी जी जिन्हें अभी कुछ वीडियो पहले हमने देखा था कि उन्होंने सरेंडर किया है, उन्हें मिल गई थी सीट समाजवादी पार्टी से और वो इलेक्ट होके आ गई पार्लियामेंट में। पर बड़ी खबर ये थी कि कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार, और इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी जो जीत के बाहर आई वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो 543 में से 161 सीटें जीती बीजेपी ने। तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी के लीडर या फिर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया सरकार बनाने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी बने भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो 13 दिन के अंदर उन्हें करना पड़ा रिजाइन। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुआ ऐसा कि कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPIM उसके सपोर्ट से बना कोई प्रधानमंत्री। हालांकि उन्होंने बस सपोर्ट दिया और एक बनाया यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट में थी CPIM, जनता दल और बाकी की छोटी मोटी पार्टीज। वीपी सिंह और ज्योति बासु ने क्योंकि पीएम बनने के लिए कर दिया था मना, तो प्रधानमंत्री बनाया गया HD देवेगौड़ा का। इनका भी फुल फॉर्म में वीडियो के एंड में बताता, पर मुझे लगा आज मैं बता ही देता हूँ। इनका पूरा नाम था हरदनहल्ली डोडागोड़ा देवगौड़ा। इसी साल 28 अगस्त को अमरनाथ में हुई एक ट्रेजेडी। अमरनाथ यात्रा के दौरान 194 श्रद्धालु उनकी ठंड में जमने से हो गई मौत। और सेम ईयर 30 अक्टूबर को पहली बार भारत आए माइकल जैक्सन। ये इतने फेमस पॉप सिंगर थे, इनका भारत आना एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। तो माइकल जैक्सन का जो हिस्ट्री वर्ल्ड टूर था उसके अंदर मुंबई फाइट पड़ा, तो मुंबई आए थे। उनका तिलक किया था सोनाली बेंद्रे ने, इस बात ने चर्चा बनाई थी भारत में। और माइकल जैक्सन की इस बीट्स के साथ हम बढ़ते हैं 1997। इस साल मदर टेरेसा की हेल्थ खराब चल रही थी, हालांकि इसी साल के एंड में उनका निधन भी हो गया था। लेकिन शुरुआत में उनकी बिगड़ी तबीयत को देखते हुए सिस्टर निर्मला को बनाया गया लीडर इंडियाज मिशनरीज ऑफ चैरिटी का। इस साल के बस 3 ही महीने गए थे कि कांग्रेस ने पुअर लीडरशिप का रीजन दे के HD देवेगौड़ा से ले लिया अपना सपोर्ट वापस, यानी कि भारत को मिलने वाले अब एक और प्रधानमंत्री। और एग्जैक्टली 22 दिन बाद IK गुजराल को बनाया गया भारत का नया प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार गुजराल। हमें अब पता लग गया कि जनता का पैसा जाता कहाँ है। खैर, जनता का पैसा कहीं और भी गया था वो पता लगेगा अब, क्योंकि इसी साल 25 जुलाई को लालू प्रसाद यादव ने रिजाइन किया अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से, जो बिहार के वो चीफ मिनिस्टर थे। रीजन था कि चारा घोटाला में उनका नाम आ गया था और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुके थे। जेल जाने से पहले उन्होंने किया रिजाइन और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बनाया बिहार का चीफ मिनिस्टर। वो बनी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। और यही वो साल था जब 12 अक्टूबर को क्वीन एलिजाबेथ टू ने किया अपना स्टेट विजिट टू इंडिया। ये विजिट इंडिया के लिए बहुत बड़ी थी, पर उससे ही बड़ी बात थी जो अगले महीने होने वाली थी 28 नवंबर की, जब कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट को कहा कि वो अपने इस गठबंधन में से DMK को हटा दे। जब यूनाइटेड फ्रंट ने उनकी ये रिक्वेस्ट डिक्लाइन की तो कांग्रेस ने अपना सपोर्ट खींच लिया और इंद्र कुमार गुजराल को रिजाइन करना पड़ा। सवाल ये उठता है, अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी को सपोर्ट मिल नहीं रहा है, यूनाइटेड फ्रंट में आपसी खींचातानी लगी हुई है। 4 दिसंबर को किया राष्ट्रपति KR नारायणन ने अनाउंस कि भाई मिड टर्म इलेक्शन होंगे और लोकसभा करो डिसॉल्व। 1997 साल खत्म होने से पहले अभी तक जो इलेक्शन की कैंपेन से बाहर रहती थी सोनिया गांधी ने ज्वाइन की इलेक्शन कैंपेन 29 दिसंबर 1997। अब तो माहौल इलेक्शन का ही है, और इलेक्शन के इसी माहौल को लेके हम पहुंचे 1998 में। तो 11 जनवरी को सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की मुहिम शुरू की उसी जगह से जहां पर राजीव गांधी का स्वर्गवास। और इसी साल 21 जनवरी को स्टार्ट हुआ Sony TV पे CID। मेरे ख्याल से CID शो शुरू होने के पीछे एक रीजन ये भी रहा होगा कि भारत में भाई कुछ तो गड़बड़ है। इलेक्शन के रिजल्ट आए 7 मार्च, कांग्रेस तो नहीं जीत पाई, फिर से मेजोरिटी ऑफ सीट्स पाने वाली पार्टी बनी बीजेपी, उन्हें मिले 251 सीट्स। सरकार वो फिर भी नहीं बना पाई। अब कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी नहीं, बीजेपी के पास थी हाईएस्ट सीट। उन्हें लास्ट मोमेंट पे मिल गया सपोर्ट AIDMK का, और अटल बिहारी वाजपेयी बने फिर से प्रधानमंत्री।
ये था अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा टर्म। अटल बिहारी के इस दूसरे प्रधानमंत्री वाले टर्म में 11 मई को हुआ एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात थी। स्माइलिंग बुद्धा होने के 24 साल बाद भारत ने किया न्यूक्लियर टेस्ट। 3 दिन चले इस ऑपरेशन शक्ति में भारत ने किए 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। इन टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट करने का पूरा क्रेडिट जाता है डॉक्टर एपीजे कलाम और आर्मी को। वो नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, जब कोई अच्छा काम कर देता है, बड़ा काम कर देता है, तो पड़ोसी सबसे पहले बुरा मानता है। वो यही पाकिस्तान मान गया बुरा, यूएस और जापान ने लगा दिया इंडिया पे सेक्शन। ये टेस्ट इतने चुपके से और सीक्रेट तरीके से हुए ना कि किसी को पता ही नहीं लगा। पर इस टेस्ट के बारे में बताया प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूज में, और उन्होंने न्यूज में ये कहा कि At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. ये स्पीच आज तक इंस्पायरिंग है और लोगों को पावर देती है। इसी पावर के साथ हम बढ़े 1999 में, जहां एक तरफ हमने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया था, लेकिन हम प्यार में कभी पीछे नहीं हटते। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही 1999 में स्टार्ट हुई दिल्ली से लाहौर की बस, और उसी बस से वाजपेयी जी पहुंच गए लाहौर एक गुडविल विजिट करने। दोनों कंट्रीज ने मिलकर बड़े ही पीसफुल तरीके से बात की कि कश्मीर मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाया जाए और न्यूक्लियर टेस्ट की कभी नौबत ना ही आए तो बढ़िया है। अब इतना अच्छा कुछ चल रहा था तो ज्यादा मीठे में ना चीटियां भी आ जाती है। AIDMK ने लास्ट मिनट अपना सपोर्ट वापस खींच लिया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन फ्रेश इलेक्शन होने से पहले वाजपेयी सरकार को मिला एक मौका अपना विश्वास मत एक बार दिखाने का संसद में, और तारीख थी 17 अप्रैल, जब वाजपेयी जी की सरकार बस एक वोट से विश्वास मत हार गई। एक वोट से विश्वास मत हारने के बाद, अपनी सरकार गिरने के बाद वाजपेयी जी ने कहा ये चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा कि देश कहां रुकता है। लेकिन देश पे आया था संकट, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वो प्रधानमंत्री थे। ये संकट था कश्मीर में, कारगिल, कुछ गडरियों ने और कुछ जो वहां पे जो लोग थे लोकल, उन्होंने खबर दी कि यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया है। लगभग 2 महीने चले इस इंडिया पाकिस्तान युद्ध में 4 जुलाई को रिकैप्चर किया टाइगर हिल और 11 जुलाई को रिकैप्चर किया कारगिल। 1999 का ये युद्ध ऑपरेशन विजय कहलाया और इस दिन को मनाते हैं विजय दिवस के नाम पे। पर इसी बीच में एक और जीत है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा। 4 जुलाई को पहली बार 2 भारतीयों ने विंबलडन में जाके जीता था डबल्स, लिएंडर पेस और महेश भूपति। न्यूक्लियर टेस्ट किया, ऑपरेशन विजय किया इतना सक्सेसफुली, और वो स्पीच तो यार लोगों के दिल में अभी भी छाई हुई है। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए कुछ सितंबर अक्टूबर में, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी ने इलेक्शन लड़ा ही NDA नाम की एक गठबंधन में था। उन्हें मिली मेजोरिटी 298 सीटों के साथ और बिना किसी रोक टोक के अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई अपनी सरकार। तो पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, लेकिन अब 13 अक्टूबर को उन्होंने बनाई अपनी फुल फ्लेज सरकार, और भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है। मेरे ख्याल से देश के लोगों को एक शांति मिली कि यार चलो अब फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे। इसी साल के एंड में देश पर था एक और खतरा। वो खतरा था कि 24 दिसंबर को इंडियन एयरलाइंस की एयरबस जिसमें 189 लोग सवार थे काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना तो हुई, लेकिन वो दिल्ली ना आके UAE घूमी और उसके बाद अफगानिस्तान में कांधार पे खड़ी हो गई। उसे कर लिया गया था आतंकवादियों द्वारा हाईजैक। आतंकवादियों की मांग थी $200 मिलियन और कुछ आतंकवादियों को छोड़ना, लगभग 35, जिसमें मेन नाम था मसूद अजहर, और वहां से सब लोगों को छोड़ा गया। इन 4 साल में भारत ने बहुत कुछ देखा। 2 बार तो इलेक्शन देखे, 6 प्रधानमंत्री देखे, भारत की शक्ति भी देखी न्यूक्लियर टेस्ट और ऑपरेशन विजय में, और भारत की सहन शक्ति भी देखी। नई सदी में घुसने से पहले भारत ने बहुत कुछ देखा। अगली वीडियो में घुसेंगे नई सदी में, लेकिन उससे पहले 4 सालों की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी थी। 1996 राजा हिंदुस्तानी, 1997 दिल तो पागल है, 1998 कुछ कुछ होता है, 1999 हम साथ साथ हैं। इन चारों ही फिल्मों में प्यार, मोहब्बत, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ भरा हुआ है, फैमिली एंटरटेनर, सभी के सारे गाने अच्छे। लेकिन मैंने पसंद किया है उस फिल्म का गाना जो हाईएस्ट अर्निंग तो नहीं थी लेकिन वो 1997 की सेकेंड हाईएस्ट अर्निंग फिल्म थी। वो बताता हूँ बस वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, और आज़ादी का अमृत महोत्सव चलता रहेगा 15 अगस्त तक। वो फिल्म थी बॉर्डर, 1997 में रिलीज हुई, और इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स कैरेक्टर्स थे कि आज तक सबको एक एक का डायलॉग याद है यार। इससे जुड़ा एक और फैक्ट ये था कि इसी साल 1997 को
उपहार जो साउथ दिल्ली में थिएटर हुआ करता था वहां पर लग गई आग, जिसमें 59 से ज्यादा लोग मारे गए और 103 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। और आज के इस मूड को, इस भारत के मूड को ना यार, और जो आजादी का मूड चल रहा है, इस फिल्म का फेमस गाना, लेकिन जब भी ये गाना चलता है ना तो कभी कभी यार रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। सुनते हैं रूप कुमार राठौर और सोनू निगम की आवाज में वो गाना, और मिलते हैं कल। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये